हेलो व्यूवर्स, वेलकम। आज हम बनाएंगे पास्ता इन रेड सॉस। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट टिप्स दूंगी जिससे कि आपका पास्ता बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्टी बनेगा। और ये सभी टिप्स जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ता बनाने के लिए हमें चाहिए 3 से 4 लहसुन की कलियां, जिसे मैंने बारीक काटा है, एक मीडियम बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, 3 मीडियम टमाटर, 2 कप पेने पास्ता। ये पास्ता मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। पास्ता को बॉईल करने के लिए हम एक पैन में गर्म पानी लेंगे। जब वो पानी उबलने लगे तो हम उसमें 1 छोटी चम्मच नमक और 1 चम्मच हम उसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। पानी अच्छे से उबलने लग जाए तब हम उसमें पास्ता को ऐड करेंगे। इसमें हमें पास्ता को अच्छे से बॉईल करना है। एल डांटे, इसमें हम टर्म यूज़ करते हैं पास्ता को बॉईल होने के लिए। एल डांटे मीन्स कि पास्ता आपका कुक हो गया है लेकिन वो अभी भी फर्म है, वो मुशी या ऐसे सॉफ्ट नहीं हुआ है। सो इट इज़ जस्ट अबाउट कुक्ड। उसे ज़्यादा होने पर वो बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता है, हमें वैसा नहीं चाहिए। जैसे ही पास्ता आपका तैयार हो जाए आप उसे स्ट्रेन कर लीजिए और एकदम से उसे ठंडे पानी से धो लीजिए। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जो हीट है अभी भी पास्ता में उसकी वजह से वो और ज़्यादा कुक ना हो जाए। तो ये पास्ता हमारा 2 कप तैयार है बॉईल होके। इसके बाद हमने लिया है सॉल्ट एज पर टेस्ट, रेड चिली फ्लेक्स और मिक्स्ड हर्ब्स, और साथ में थोड़ा सा टोमेटो सॉस। अब हम टमाटर को लेंगे। इसमें टमाटर में हमने पीछे की तरफ में प्लस के साइन के जैसे एक हम कट इस तरह से लगा लेंगे। इस तरह से टमाटर पे कट लगाने के बाद हम गैस में एक पैन रखेंगे और पानी को उबालेंगे। जैसे ही पानी उबले उसमें हमें वो टमाटर डाल देने हैं और अच्छे से कम 8 से 10 मिनट या 12 मिनट भी आपको लग सकते हैं, हमें टमाटर को बॉईल करना है। इस टमाटर को हमें बॉईल करना है एक ऐसे स्टेज तक जहाँ उसकी टमाटर की जो स्किन है वो निकलने शुरू हो जाएगी, और इसीलिए हमने उसमें प्लस साइन लगाया था कट, ताकि वहाँ से हम उसकी स्किन को इजीली पील कर सके। इसकी स्किन को उतार करके आप इसे मोटा मोटा काट लीजिए और ब्लेंडर में प्यूरी कर लीजिए ताकि हमें टमाटो की प्यूरी मिल जाए। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो आप अभी फ्लेवर होम चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी किसी भी रेसिपी वीडियो को मिस ना कर दें। अब हम एक पैन को गैस पर रखेंगे और उसमें हम लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। जैसे ये ऑयल गर्म हो जाए हमें इसमें डालना है बारीक कटा हुआ लहसुन, और इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। इन दोनों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इन्हें हमें कुक करना है थोड़ी सी मीडियम लो फ्लेम पर। इसे हमें डार्क ब्राउन तक कुक नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन हो जाए, बहुत ही हल्का गोल्डन कलर उतना हमें कुक करना है, और जल्दी कुक हो जाए इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डाल लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हम 1 से 2 मिनट अच्छे से सॉटे करेंगे प्याज और लहसुन को। अब यहाँ प्याज हमारा लगभग सॉटे हो गया है बहुत अच्छे से। इसमें हम डालेंगे टमाटो की प्यूरी जो हमने तैयार की है ब्लेंडर में, और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब टमाटो की प्यूरी को हमें अच्छे से पकाना है, इसका कच्चापन नहीं रहना चाहिए। इसे आप अच्छे से बॉईल होने दीजिए और 4 से 5 मिनट बॉईल होने के बाद आप देखेंगे इस तरह से ये गाढ़ी होती हुई आपको दिखाई देगी। लेकिन इसने अभी तक अपनी साइड्स नहीं छोड़ी हैं पैन की, इसका मतलब ये पूरी कुक नहीं हुई है। अब यहाँ देखिए ये पैन की साइड्स छोड़ रही है और गाढ़ी भी हो गई है, तो हमारी जो रेड सॉस है, जो टमाटर है उसमें, वो पक चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम इस पर डालेंगे बॉईल किया हुआ पास्ता। पास्ता को डाल करके हम इसमें अपनी हर्ब्स भी मिक्स कर लेंगे। 1 बड़ा चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स का डालेंगे हम यहाँ पर, और चिली फ्लेक्स डालेंगे, वो आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा जितना आपको खाना है डाल सकते हैं। और इसके साथ में हम डालेंगे
डेढ़ बड़े चम्मच टोमेटो सॉस, इन सभी चीज़ों को डाल करके हम पास्ता को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो हल्की सी कुटी हुई काली मिर्च भी आप पास्ता में ऐड कर सकते हैं। तो ये पास्ता हमने मिक्स कर लिया है, एक दो मिनट इसको हमने लो फ्लेम पे कुक भी किया है और ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो चलिए पास्ता को हम एक प्लेटर में सर्व करते हैं। पास्ता को इस तरह सर्व करने के बाद इसमें हम डालेंगे मोज़रेला चीज़, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी चीज़ इसमें डाल सकते हैं। इसे डाल के मैंने इसको गार्निश किया है ऊपर से प्रोसेस्ड चीज़ के साथ। तो ये हमारा पास्ता बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। और अब आप देखिए इसकी पांच इंपॉर्टेंट टिप्स। टिप नंबर वन कि हमें पास्ता को बॉईल करते समय उसमें नमक डालना है ताकि वो अच्छे से सीजन हो जाए। टिप नंबर टू, इसमें हमें कुकिंग ऑयल भी डालना है बॉईल करते समय ताकि पास्ता हमारा आपस में चिपके नहीं। टिप नंबर तीन, बॉईल होने के बाद पास्ता को इमीडिएटली आपको नॉर्मल पानी या हल्के ठंडे पानी से वॉश करना है ताकि पास्ता की जो अपनी हीट है उससे वो ओवर कुक ना हो जाए। और टिप नंबर चार, पास्ता को इस तरह से धोने के बाद उसमें कुछ बूंदे ऑयल की स्प्रिंकल कीजिए और पास्ता में उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ऐसा करने से पास्ता आपस में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। और टिप नंबर पाँच है कि आप जितना हो सके उतने फ्रेश टमाटर यूज़ कीजिए। जितने टमाटर पुराने हो जाते हैं वो ज़्यादा खट्टे हो जाते हैं और वो टैंगी होने से सॉस का टेस्ट अच्छा नहीं आता है, इसलिए फ्रेश टमाटर ही यूज़ कीजिए। तो व्यूअर्स, आप ये पास्ता इन रेड सॉस ज़रूर बनाइए और हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। जुड़े रहिए फ्लेवर होम के साथ और भी यमी रेसिपीज़ के लिए। थैंक यू।